गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये डिमांडिंग वीडियो है, टॉपिक है सोलर सिस्टम। आप इससे ज्योग्राफी का सोलर सिस्टम भी समझ सकते हो, साइंस का सोलर सिस्टम भी समझ सकते हो। चलिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले टॉपिक पर आकर, फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स, कि हमारे यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो एक थ्योरी मानी जाती है बिग बैंग थ्योरी। ये कहा जाता है कि आज से 3.8 बिलियन ईयर्स एगो, यानी ऑलमोस्ट 380 करोड़ साल पहले क्या हुआ था, हमारी जो यूनिवर्स थी वो छोटा सा पॉइंट था, बहुत टिनी पॉइंट था, जिसका इन्फिनिट ग्रेविटेशनल पॉइंट और इन्फिनिट इसकी डेंसिटी थी। हुआ क्या, इसके पार्टिकल्स आपस में पास आते गए और उनके बीच में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, जिसको बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। और ये जो पॉइंट था वो रेवोल्यूट हो रहा था, वो गोल घूम रहा था। जब ये ब्लास्ट हुआ, इसकी वजह से इसके टुकड़े अलग अलग हो गए, है ना, और इसकी वजह से वो जो टुकड़े हुए थे वो भी अब रेवोल्यूट कर रहे हैं। बिग बैंग थ्योरी थी। इस बिग बैंग थ्योरी की वजह से बहुत सारी हमारा जो यूनिवर्स बना, इसमें बहुत सारी गैलेक्सीज बनी। तो गैलेक्सीज़ के बारे में कहा जाता है कि अगर हम गैलेक्सीज़ का एक एक्सपेरिमेंट देखें तो वो है बलून एक्सपेरिमेंट। अब बलून एक्सपेरिमेंट में कैसे देख सकते हैं कि हमारी गैलेक्सी को कैसे समझ सकते हैं। तो देखिए, ये एक बलून है, ये एक बलून है पिचका हुआ, आप इस पर डॉट डॉट डॉट्स लगा दीजिए। ये हमारा पुराना यूनिवर्स है, पहला प्रीवियस यूनिवर्स है जो ऐसा हुआ करता था, और ये छोटे छोटे डॉट्स हैं, ये गैलेक्सी हैं। अगर आप इसमें एयर ब्लो करोगे तो क्या होगा, एयर ब्लो करने से बलून फूलेगा और ये जो पॉइंट्स थे इनका साइज़ भी बड़ा होता जाएगा और ये एक दूसरे से दूर होते जाएंगे। यही है हमारी गैलेक्सी की थ्योरी। कहा जाता है कि हमारा यूनिवर्स है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, हमारी गैलेक्सीज भी कंटिन्यूसली बढ़ रही हैं और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी कंटिन्यू एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है, तो ये बलून एक्सपेरिमेंट है, आप घर पे करके देख सकते हो, इसके थ्रू आप समझ सकते हो कि यूनिवर्स किस तरीके से फैल रहा है। चलिए हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, आवर सोलर सिस्टम। तो हमारा सोलर सिस्टम, तो हमारे सोलर सिस्टम को समझने से पहले हम पहले अपनी गैलेक्सी समझ लेते हैं। हमारी गैलेक्सी है, उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, और हमारी गैलेक्सी के सबसे पास वाली जो गैलेक्सी है पड़ोसन, उस पड़ोसन का नाम है एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। चलिए, हर गैलेक्सी में होता क्या है, हर गैलेक्सी में कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं। तो सेलेस्टियल बॉडीज़ या हेवनली बॉडीज़ किसे बोलते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ या हेवनली बॉडीज़, ये क्या होता है, ये वो बॉडीज़ होती हैं जो स्पेस में होती हैं, यूनिवर्स के स्पेस में पाए जाने वाली बॉडीज़ को सेलेस्टियल बॉडीज़ या हेवनली बॉडीज़ कहते हैं। यानी हमारे जितने स्टार्स हैं, सैटेलाइट है, मून है, अर्थ है, प्लैनेट्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, ये सारे के सारे के मीटियोर्स हैं, ये सब कहलाते हैं हमारे हेवनली बॉडीज़। तो स्टार क्या होता है, एक स्टार समझ लेते हैं, स्टार और प्लैनेट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। स्टार क्या होते हैं, दोज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैव देयर ऑन लाइट, यानी वो चमकती हुई चीज़ें जिनके पास अपनी खुद की लाइट है, यानी इनके पास खुद का फ्यूल है जिससे ये लाइट जनरेट करते हैं, वो कहलाते हैं स्टार्स। इनका फ्यूल होता क्या है, वो होती है हाइड्रोजन गैस, ये इनका फ्यूल है, इसी को जलाकर ये लाइट जनरेट करते हैं जिसकी वजह से ये चमकते हुए दिखाई देते हैं, और ये लाइट इनकी खुद की होती है, किसी और की लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करते, वो कहलाते हैं स्टार्स। अब स्टार्स का साइज़ बहुत बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। अब पढ़ते हैं प्लैनेट्स, प्लैनेट्स कंपेरेटिवली स्टार से कंपेयर करें तो प्लैनेट्स का साइज़ कैसा होता है, छोटा होता है। ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट यानी इनकी खुद की कोई लाइट नहीं है, तो करेंगे कैसे, फिर ये चमकेंगे कैसे, ये चमकते कैसे हैं, रिफ्लेक्ट करके दूसरों की लाइट को, रिफ्लेक्ट लाइट ऑफ स्टार्स, स्टार्स की लाइट को रिफ्लेक्ट करने की वजह से प्लैनेट्स चमकते हुए दिखाई देते हैं। ये तो हो गया स्टार और प्लैनेट्स के बारे में। एक और चीज़ बता देता हूँ, 2004 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में कहा गया था कि प्लैनेट क्या होते हैं, प्लैनेट को डिफाइन करना है, तो प्लैनेट को डिफाइन किया गया ये कह के कि आलमोस्ट स्फेरिकल शेप की हेवनली बॉडीज, जिनका शेप कैसा हो, आलमोस्ट स्फेरिकल हो, जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाएं, सन के चारों तरफ चक्कर लगाएं, लेकिन किस में, अपनी एक्सेस में, किसी दूसरे प्लैनेट की एक्सेस में वो एंटर ना करें, तो उन्हें हम बोलेंगे प्लैनेट्स। जैसे
ये वाला प्लेनेट अपने ऑर्बिट में सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ये वाला प्लेनेट अपने सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ये वाला प्लेनेट अपने एक्सिस में सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। इसी तरीके से हर वो हेवनली बॉडी जो ऑलमोस्ट स्फेरिकल होगी और अपनी एक्सिस पर रहकर सन के चारों तरफ चक्कर लगाएगी वो प्लेनेट कहलाएगा। इसीलिए प्लूटो को पहले हम नाइन्थ प्लेनेट कहते थे हमारे सोलर सिस्टम का, लेकिन अब ये नहीं रहा, ख़त्म नहीं हुआ है, ये प्लेनेट नहीं रहा, अब इसे ड्वार्फ प्लेनेट यानी बोना ग्रह ड्वार्फ प्लेनेट कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका शेप ऑलमोस्ट स्फेरिकल नहीं है। दूसरा, ये बहुत शैतान है, जितना छोटा बच्चा है उतना शैतान है, सबसे छोटा प्लेनेट हुआ करता था, शैतान था। ये एट्थ प्लेनेट था नेपच्यून, उसकी ऑर्बिट में चला जाया करता था ईयर, मतलब अपने रेवोल्यूशन पीरियड में दो बार नेपच्यून की ऑर्बिट को कट करता था, इसीलिए इसको प्लेनेट नहीं रखा गया। अब आते वापस हमारे सोलर सिस्टम पर, तो हमारा मेन स्टार कौन है? सन, जो हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है। तो दो थ्योरी दी गई, कॉपरनिकस, गैलीलियो। पहले क्या था, सबसे पहले टॉलमी थे, अरिस्टोटल थे, इस तरीके के जो ये लोग थे, इन लोगों का मानना था कि हमारी अर्थ वो बिल्कुल सेंटर पे है सोलर सिस्टम के, सन उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। लेकिन बाद में कॉपरनिकस, गैलीलियो, इन जो ये ज्योग्राफर्स आए, इन लोगों ने एस्ट्रोनॉमर्स से, इन लोगों ने प्रूव करा कि नहीं, अर्थ सेंटर पे नहीं है, सेंटर पे सन है और बाकी प्लैनेट उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। तो हमारा स्टार है सन। अच्छा, हमसे ये पूछा जाए हमारा नियरेस्ट स्टार कौन सा है, तो हमारा नियरेस्ट स्टार है प्रोक्सिमा, याद रखिएगा नाम, प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी नाम है जो हमारा नियरेस्ट स्टार है। आगे चलते हैं, देखिए सन और उसके बाद हमें हमारे एट प्लैनेट्स पढ़ने हैं, तो इनको याद करने का तरीका कि ये किस सीक्वेंस में है, सन से कौन कितना दूर है, कौन पास में है, इसको याद करने के लिए एक तरीका है। देखिए पहले मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ, ये देखिए शुरू के चार छोटे प्लैनेट्स हैं और बाद के चार बड़े प्लैनेट्स हैं, ठीक है। इसको शिगार शेप भी कहा जाता है, हमारा जो सोलर सिस्टम है वो शिगार शेप का है। याद करने का तरीका है एम वैम जे सन, यानी एम से मरकरी, फर्स्ट पे आ गया मरकरी, सन से सबसे पास है मरकरी, वी से वीनस, सेकंड पे वीनस, देन ई फॉर अर्थ, हमारा अर्थ, देन एम फॉर मार्स, देन उसके बाद एक डॉट 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 लाइन, इसका भी मतलब समझाऊंगा कि डॉट 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 लाइन क्यों बनाई है, ये इन चार को इन चार से अलग कर रही है। नंबर फाइव पर जुपिटर, सबसे बड़ा है, नंबर सिक्स पर सैटर्न, सेकेंड बिगेस्ट प्लैनेट है, नंबर सेवन पर यू से यूरेनस, एंड नंबर एट से नेपच्यून। तो याद करने का तरीका एम वैम जे सन, ठीक है, मरकरी वीनस अर्थ मार्स जुपिटर सैटर्न यूरेनस नेपच्यून। चलिए अब ये जो लाइन है, ये लाइन क्या है, ये लाइन है बच्चों एस्ट्रॉइड बेल्ट, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एस्ट्रॉइड बेल्ट कहाँ पर है, तो वो मार्स और जुपिटर के बीच में है। ये शुरू के चार, इन्हीं को बोलते हैं हम इनर प्लैनेट्स, इनको बोलते हैं हम आउटर प्लैनेट्स, या इन्हें बोलते हैं हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, और इनको हम बोलते हैं गैसियस जाइंट प्लैनेट्स। चलिए तो इनर प्लैनेट्स को आउटर प्लैनेट्स, देखिए इनर अंदर की तरफ है, सन के अंदर की तरफ है इनर प्लैनेट्स, सन से बाहर की तरफ है आउटर प्लैनेट्स। तो इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स के बीच में एक बेल्ट है जहाँ पर रॉक्स हैं, है ना, जो स्पेस में मार्स और जुपिटर के बीच में तैर रहे हैं, उन्हें बोलते हैं हम एस्ट्रॉइड बेल्ट। तो एक हम लेगी मार्स और जुपिटर के बीच में। अब इंडिविजुअली पढ़ना है हमें प्लैनेट्स के बारे में, तो प्लैनेट्स के बारे में मैं अपनी अपनी सेकंड वीडियो में बताऊंगा इसके। चलिए मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।